बीते एक दशक से दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने वाले नगरपालिका के 500 अधिक कर्मचारियों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। 2007 के बाद नगरपालिका की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत 500 से अधिक कर्मचारियों को नगरपालिका ने स्थायी करने की पहल शुरू की है। अब प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग से अनुमोदन की मोहर लगते ही इन कर्मचारियों के दिन बदल जाएंगे। नगरपालिका में नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी एक पत्र आया है। इस पत्र में विभाग ने नगरपालिका से उन सभी दैनिक वेतन भोगियों की जानकारी 3 दिन में मांगी है जो 2007 के बाद से नगरपालिका की शाखाओं में काम कर रहे हैं। शहर की नगरपालिका में इस तरह के कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक है। नगरपालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय ने बताया कि शासन से मिले इस पत्र के बाद हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। सभी शाखा प्रमुखों से उनकी शाखाओं में कार्यरत इस तरह के कर्मचारियों के नामों की सूची मांगी गई है। ये सूची मिलते ही हम इसे अनुमोदन के लिए भोपाल भेज देंगे। खास बात यह है कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को नियमित करना है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी नगरपालिकाओं पर छोड़ी है, क्योंकि इतने कर्मचारियों का भार उठाने के लिए नगरपालिका को आर्थिक स्थिति भी मजबूत होना चाहिए। नगरपालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय ने बताया कि नागदा नगरपालिका संभवतः प्रदेश की पहली ऐसी नगरपालिका होगी जिसने सरकार के इस निर्णय पर त्वरित फैसला करते हुए कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया है। नगरपालिका अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हम उम्मीद तो ये भी कर सकते हैं कि 15 अगस्त तक सरकार इस पर अपना फैसला कर कर्मचारियों को आज़ादी के पर्व पर स्थायीकरण का उपहार दे दे। नगरपालिका परिषद नागदा के लिए, नागदा नगर के लिए, नगरपालिका परिषद नागदा के समस्त कर्मचारी भाइयों के लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समस्त नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 100% हर जाति वर्ग के व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़कर लाभ दिया जाने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय निकाय के समस्त कर्मचारियों के लिए विनियमितीकरण के माध्यम से स्थायी योजना का लाभ दिए जाने के अंतर्गत पूर्व में शासन का एक पत्र कर्मचारियों के हित के में आता है कि 2007 तक के जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है ऐसे कर्मचारियों को शासन की योजना के अनुसार विनियमितीकरण के माध्यम से स्थायी कर्मी का लाभ दिया जाना है। नागदा नगर के लिए, नागदा नगर का सेवक होने के नाते मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नगरपालिका परिषद नागदा के द्वारा एक कदम आगे बढ़ाते हुए शासन का जो पत्र आया था कि 2007 तक के कर्मचारियों को विनियमितीकरण के माध्यम से स्थायी किया जाना है, आज बड़ी खुशी की बात है कि नगरपालिका परिषद नागदा मध्य प्रदेश की पहली ऐसी नगरपालिका होगी जिसने सबसे पहले पहल की कि 2007 के साथ साथ 2016 तक के कर्मचारियों को भी विनियमितीकरण के माध्यम से स्थायी कर्मचारी का लाभ मिलना चाहिए। और आज वो सपना साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन नगरी प्रशासन का एक पत्र कल 17/7/2018 को मध्य प्रदेश के समस्त निकायों में पत्र आदेश मिलता है कि ऐसे कर्मचारी जो 2007 के बाद आज दिनांक तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं ऐसे कर्मचारियों की सूची 3 दिवस के अंतर्गत बनाकर मध्य प्रदेश शासन को भेजना है ताकि उन्हें शासन की योजना के अनुसार
विनतीकरण के माध्यम से स्थायी कर्मचारी का लाभ मिल सके। मेरे लिए ये सबसे बड़ी आज खुशी की बात है कि जो मेरे कर्मचारी भाइयों के लिए मैंने जो सपना देखा था 2016 के बाद से लेकर अभी तक, वैसे सभी कर्मचारी भाई आने वाले दिनों में शासन के आदेश अनुसार विनतीकरण के माध्यम से स्थायी कर्मी का लाभ लेंगे। ये नागदा नगर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि हम हर कर्मचारी स्थायी कर्मचारी होगा एवं जो उन्होंने लंबे समय से अपने सपनों को सजो कर रखा था कि एक दिन मुझे भी स्थायी कर्मचारी का लाभ मिलेगा, वो सपना जल्द ही पूरा होगा। इसके लिए मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री थावरचंद जी गहलोत साहब, मध्य प्रदेश शासन नगरी विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह जी, नगरी प्रशासन के समस्त वरिष्ठ अधिकारी गणों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से ही ये सपना साकार होने जा रहा है। इसके साथ साथ मैं समस्त कर्मचारी भाइयों का, समस्त क्षेत्रीय जो हमारे यूनियन होती है भारतीय मजदूर संघ से लेकर समस्त संगठनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर विभिन्न संगठनों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कई तरह के ज्ञापन दिए गए, आवेदन दिए गए, लेकिन मुझे गर्व है मेरे नागदा नगर के कर्मचारी भाइयों का कि एक भी दिन कर्मचारी भाइयों ने ऐसा कोई काम नहीं किया या ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया जिससे कि नगर पालिका परिषद नागदा की व्यवस्था बिगड़े या व्यवस्था में कोई कमी आए। ऐसे भाइयों को आज विनम्रतीकरण का लाभ मिल रहा है। ऐसे समस्त कर्मचारी भाइयों को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, साथ ही धन्यवाद देता हूँ कि नागदा नगर का सेवक होने के नाते आपने अपने सेवक पर विश्वास किया, मध्य प्रदेश शासन पर विश्वास किया और वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति आपका जो अटूट विश्वास है, उस विश्वास के अंतर्गत ही आज ये सौगात समस्त कर्मचारी भाइयों को मिलने जा रही है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समस्त कर्मचारी भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जैसा कि हमेशा शासन का पत्र आता है कि जो निकाय अपने स्थापना खर्च के अनुसार जो सक्षम नगर पालिकाएं होती है वो अपनी निकाय अनुसार इन कर्मचारियों को लाभ देने का काम करें, ऐसा पत्र फिर एक दिन आएगा और जल्द आएगा ताकि नागदा नगर के कर्मचारी विनियमितीकरण के माध्यम से स्थायी कर्मचारी होंगे। हम सब के लिए खुशी की बात होगी। समस्त कर्मचारी भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय